बांग्लादेश में हाल ही में हुए घटनाक्रम से पूरा देश हिल गया है। यह कहानी है न्याय, आक्रोश और बदलाव की। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें सरकारी नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली को खत्म कर दिया गया। अब 93% सरकारी नौकरियां योग्यता के आधार पर दी जाएंगी। इस फैसले से पहले प्रधानमंत्री शेख हसीना के 14 जुलाई के बयान के बाद युवाओं में आक्रोश बढ़ गया था। उन्होंने कहा था कि अगर स्वतंत्रता सेनानियों के पोते पोतियों को कोटे का फायदा नहीं मिलेगा तो क्या रजाकारों के पोते पोतियों को मिलना चाहिए। यह बयान सुनते ही पूरे देश में युवाओं के बीच आक्रोश फैल गया और उन्होंने कोटा सिस्टम हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इन प्रदर्शनों के कारण बांग्लादेश में हिंसक झड़पें होने लगी, जिसमें अब तक कम से कम 114 लोगों की मौत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर देश भर में कर्फ्यू लगाया गया था। 19 मई से शुरू हुए इस कर्फ्यू को 21 जुलाई की दोपहर 3 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया था। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच छिटपुट झड़पें भी हुई। ढाका की सड़कों पर सैनिक गश्त कर रहे थे, जो प्रदर्शन का केंद्र बन गया था। विरोध को दबाने के लिए देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए थे और सुप्रीम कोर्ट के गेट के बाहर सैन्य टैंक तैनात किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही स्थिति में थोड़ी स्थिरता आई है। कोर्ट ने कहा है कि अब 93% सरकारी नौकरियां बिना आरक्षण के योग्यता के आधार पर खुली रहेंगी। वहीं आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वालों के बच्चों के लिए 5% और अन्य श्रेणियों के लिए 2% नौकरियां आरक्षित रहेंगी। दरअसल बांग्लादेश में आज़ादी के बाद से ही आरक्षण की व्यवस्था लागू थी। 1972 में जारी आदेश के मुताबिक नौकरियों में 20% मेरिट के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। इसमें 30% आरक्षण आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वालों के बच्चों के लिए था। 2018 में सरकार ने कोटा प्रणाली को खत्म कर दिया था, लेकिन 2024 में हाई कोर्ट ने इसे अवैध बता दिया और कुल कोटा 56% तक कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उम्मीद है कि हिंसा थम जाएगी, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि यह आंदोलन अब छात्रों के हाथ से निकलकर देश विरोधी ताकतों के हाथ में जा चुका है। जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश इस हिंसा को और बढ़ावा दे रहा है। इस संगठन को पाकिस्तान और चीन का समर्थन माना जाता है, जो भारत के लिए भी चिंता का विषय है। बांग्लादेश से बड़ी संख्या में नेपाली और भूटानी लोग भारत के मेघालय में शरण ले रहे हैं। गृह विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 204 भारतीय, 158 नेपाली और एक भूटानी नागरिक मेघालय पहुंच चुके हैं। यह संख्या आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। बांग्लादेश के अस्थिर होने का असर भारत पर भी पड़ सकता है। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसे बदलाव लाता है और कैसे बांग्लादेश की स्थिति को सुधारता है।